आजकल के बच्चों में सहनशीलता इस कदर खत्म होती जा रही है कि माँ बाप की छोटी सी डांट पर भी बच्चे बड़े से बड़ा कदम उठाने से पीछे नहीं हट रहे। एक ऐसा ही हैरान कर देने वाली खबर गोहाना से सामने आई है, जहाँ गांव रबड़ा में एक माँ ने स्कूल नहीं जाने पर अपने बच्चे को टोका तो दोनों भाई बहन घर छोड़कर चले गए। जी हाँ, दोनों बच्चे बीती सुबह घर छोड़कर भागे थे, जिन्हें शिकायत के बाद पुलिस ने गहन छानबीन के दौरान गांव के पास स्थित रेलवे स्टेशन से बरामद किया। हालांकि पुलिस ने दोनों बच्चों को सकुशल बरामद कर परिवार के हवाले जरूर कर दिया है, लेकिन ये घटना आसपास के इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। स्कूल न जाता था इसलिए, और मैं काम पे जाता था, रोड़े थे, मास्टर का फोन आया जी, बोले तेरा तीन बड़ा है ना, कोई सी भी ना आया स्कूल में, फिर मैं आ गई छो, फिर मैं आया घर, आके उनको ना मारपीट कर लिया, मारपीट में मैं छम छम में जी मेरा घर पे भर जा, घर पे भर निकल गए तीनों का तीनों। फिर मैं कोटा लेने गई थी, हाँ, और फिर ये कॉम्प्लेंट लिखाई, और फिर जी मिल गया वो रबड़ा टीशन पे बड़ा। तीन बच्चे थे? दो बच्चा है, छोटा है एक है जी, छोटा सा छोटा घर पे है। क्या क्या काम करते हो आप? मेहनत मैं दिहाड़ी करता हूँ जी, मजदूर दिहाड़ी करता हूँ। रहने वाले कहाँ के हो? मैं बंगाल का रहने वाला हूँ जी, जन्म बंगाल का है, और मेरा शादी हुई हरियाणा में रबड़ा गांव में। आपके पति का क्या नाम है? कुलदीप मेरा। आपका क्या नाम? मैं नाम के 21/11/2023 को शाम के समय इसमें ना वाइफ और कुलदीप गांव रबड़ा में 112 नंबर पर कॉल की थी, ताकि मेरा एक लड़का एक लड़की घर से गायब है, जिस पर हम मौके पहुँचे, मौके पर आकर दरख्वास्त लिखवाई और फिर मुकदमा दर्ज किया, फिर तलाश की। आज दौरान तलाश भाई गांव रबड़ा के पुलिस स्टेशन पर ये लड़का लड़की मिले, रेलवे स्टेशन। हाँ, रेलवे स्टेशन। अच्छा, वहाँ मिले? वहाँ मिले। तो क्या कुछ बताया अभी, क्या हो गया था, घर से क्यों गए थे? भाई ने बताया कि मेरी माँ ने धमका दी। अच्छा, तो उसके से निकले? हाँ। तो अब सौंप दिए उनको? सौंप दिए, उनके हवाला कर दिए, उसकी माँ की, उसकी बुआरी है और उसकी दादी है। दरअसल बच्चों की माँ के पास स्कूल से फोन आया था कि आपके बच्चे स्कूल नहीं आते, जिसके बाद माँ ने बच्चों को टोका और थोड़ी बहुत डांट भी लगा दी। बस फिर क्या था, बच्चों का गुस्सा फूट पड़ा और वो घर छोड़कर चले गए। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब के सिटी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।